हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिवीजन सीखेंगे 10 से 100 से और 1000 से। तो देखिए 10, 100 और 1000 में कॉमन क्या है कि इनके जो लास्ट जो एंडिंग है वो जीरो से होती है। तो हम आज सीखेंगे कि जिनके पीछे जीरोज होती हैं उनसे डिवाइड करना, मींस जिनके आगे तो वन है और पीछे जीरो है। जैसे देखिए ये वन है और पीछे जीरो, 10, 100 और 1000, इनसे डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि 10 से डिवाइड करने। हमें कोई भी नंबर दिया हो उसे 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप करते आए हैं। हमने लिखा डिविडेंड में 89, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 8 80 9, बच गया हमारा रिमाइंडर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो एक तो तरीका यही है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक इसका सबसे इजी वे ये है कि हमें 10 से डिवाइड करनी है। तो देखिए 10 में 10 होती है, हम इसमें क्या करेंगे, 1 डिजिट ले लेंगे पीछे वाला, इसको हम मार्क कर देंगे। जैसे 10 है तो 1 डिजिट को मार्क कर दिया, तो जिसको मार्क किया ना वो हमारा हो गया रिमाइंडर। जो हमारा पीछे रह गया 1 डिजिट जिसको मार्क किया वो रिमाइंडर, जो बच गया हमारा वो हमारा हो गया क्वेश्चन। ओके, कैसे हुआ हमारा, जैसे कि हमने 10 में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट 01 है इसमें, तो 1 डिजिट हमने पीछे वाला ले लिया। ये जो हमने लिया है मार्क किया है वो हमारा रिमाइंडर होता है, और जो बच गया आगे वो हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे कि हमने ये देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। जैसे कि इसमें भी समझा रखा है, जो डिविडेंड होता है हमारा 89 है, तो हमें 10 से डिवाइड करना है। तो हम 10 में 10 होती है तो 1 हमने ये नंबर साइड रख लिया, और जो बच गया हमारा वो हमारा क्वेश्चन हो गया, जिसको हमने मार्क किया था वो हमारा रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट जैसे देखिए हम 287 को 10 से डिवाइड करना है। अब इसमें 3 डिजिट्स आ गए, तो देखिए 10 में 10 होती है ना, तो 1 मार्क कर लो इसमें, लास्ट डिजिट 1 मार्क किया, क्या आया ये 7, तो 7 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, जो बच गया वो हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, जैसे हमने ये सम किया 10 को इससे डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, 8 बच गया, 7 लिखा, 10 8 जा 80, 7 रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो हम डिजिट्स ऐसे करते हैं ये बिल्कुल इजी है, आप मिनट में इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से 100 से डिवाइड करते हैं, 100 में देखो 2 डिजिट है तो पीछे वाले 2 मार्क्स कर लो, जितनी डिजिट है उतने मार्क कर लो, 2 डिजिट है 2 मार्क किए, जो मार्क किए हमने वो हमारा रिमाइंडर, जो मार्क नहीं किए जो बच गए वो हमारा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि इसमें कर्क है ये सम, तो आप ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो जैसे हमने 17 यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा 70 क्वेश्चन आ रहा है, 75 रिमाइंडर था, यहाँ भी 75 रिमाइंडर है। इसी तरह से इसको करेंगे, 2 डिजिट है 2 मार्क कर लिए, ये हमारा आ गया रिमाइंडर, और जो बच गया वो हमारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये है, अब करते हैं 1000 से। 1000 में 30 है तो 3 मार्क कर लो, 1000 में 30 है तो 3 मार्क कर लो, जो 3 मार्क किए वो हमारा रिमाइंडर, जो बच गया वो हमारा क्वेश्चन। जैसे कि ये है, इसमें क्या होता है कि आपको टेबल नहीं करनी होती इसमें, ठीक है। इसमें आप अगर टेबल करोगे 1000 2000, वो टेबल करने की बजाय आप सीधा करो कि 30 है तो 3 मार्क कर लो, 20 है तो 2 मार्क कर लो, 10 है तो 1 मार्क कर लो, जो मार्क किया वो हमारा रिमाइंडर हो गया, जो बच गया वो हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से इसको हमने 5093 को 1000 से डिवाइड करना है, तो हम 1000 में 30 है, 3 मार्क कर लिए हमने, 3 नंबर मार्क करने हैं, 093 हमारा रिमाइंडर हो गया, 5 हमारा क्वेश्चन हो गया। ये बिल्कुल इजी है, तो आप इसे मिनट में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।